हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब 25 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से शागिर्द उसे अपने हाथ ले गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज दुखियारी मुकद्दसा मरियम कुमारी की ईद मनाई जाती है। अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह अपनी माँ से दो मकामात पर ऐ खातून कहकर मुखातिब होता है। पहली बार जब वो अपनी माँ के साथ कानाई जलील के बयान में जाता है। मुकद्दसा मरियम जब अपने बेटे से कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही, तो यीशु ने अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। और दूसरी बार अब जबकि मुकद्दसा मरियम अपने बेटे की सलीब के नीचे गम सदा खामोश खड़ी है, यीशु मसीह सलीब से अपनी दुखियारी माँ से यूं हम कलाम होता है कि ऐ खातून, देख तेरा बेटा। और फिर शागिर्द से कहता है कि देख तेरी माँ। यीशु मसीह अपनी माँ से मादरी जुबान यानी आरामी में मुखातिब होता है। आरामी जुबान में किसी औरत को खातून कहकर बुलाना उसको इज्जत और एहतराम देना होता है। ऐसी औरतें यहूदी माशरे में इज्जतदार खातून कहलाती और आला और अरफा मुकाम रखती थीं, जिन्हें खातून के लकब से पुकारा जाता था। इसीलिए यीशु मसीह भी एक यहूदी होते हुए अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को ऐ खातून के लकब से मुखातिब करता है। मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम और तकरीम करता है, उसे फजीलत देता है और इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी माँ को अपने हर दिल अजीज शागिर्द यूहन्ना के ये कहकर कि देख तेरी माँ सुपुर्द करता है। यीशु मसीह अपनी माँ की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी अपने प्यारे शागिर्द को देता है। यूहन्ना रसूल शागिर्दियत की उमदा मिसाल है, जो जतसमनी बाग से लेकर यीशु मसीह के मरने और कब्र में दफनाए जाने और मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने का चश्मदीद गवाह है। प्यारा शागिर्द यूहन्ना रसूल मसीह यीशु की मौत के बाद मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले आता है। हर माँ को खुदा ने मुकद्दसा मरियम की तरह एक बड़ा दिल अता किया है। एक माँ तमाम दुख, दर्द, तकालीफ और गमों को अपने शौहर या अपनी औलाद पर आयां करने की बजाय अपने दिल में रख कर खामोश रहती है। एक माँ खुद तो दर्द और गम की आग में जल सकती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी भी सख्त गर्मी में रेत पर तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी गमों का समंदर दिल में समोए सलीब के नीचे खड़ी अपने लखते जिगर को मुसलसल देखती रही। मुकद्दसा मरियम हमारी वकीला और अजीज माँ है। आए हम भी यूहन्ना रसूल की तरह मुकद्दसा मरियम को दिल जान से अपनी माँ तस्लीम करते हुए उसकी ताज़ीम और इज्जत करें और यीशु मसीह की तरह उसके वफादार और ताबेदार बेटे और बेटियाँ बने। आमीन। पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।